अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शहराज गार्डनिंग आइडल खुश आमदीद वेलकम करने जनाब तुहानू अपनी गार्डनिंग अपने काम से उम्मीद करने हैं सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। लो सजनों दोस्तों बेलियो माओ भैनों ते बुजुर्गों, असीं अज मुखातब हां तुहाडे नाल फिर अपनी गार्डनिंग काम च नर्सरी च। ते अज असीं तुहानू लसन थोम की पहली गोड़ी के मतलब गल करनी है कि इहदा टाइम किहड़ा है, बेहतरीन वक्त किहड़ा है। ऐसा ना होए कि जिवें अहीं थोम लाया लसन लाया तो वह लाए नहीं जनाब, हले 5 दिन होए अहीं रंबी दात्री ला के पुट पट के पर मारी खराब कर दईए, वो तो बहुत बुरी बात है, वह सारा नुकसान हो जाएगा साडा। असीं थोम की गोड़ी घट तो घट 1 महीने बाद करनी है। जो असीं थोम लसन का बीज सीड जमीन च लाने ने तो उसकी पहली गोड़ी असी 1 महीने बाद करनी है। तो हूँ तुहानू अहीं माशाला अलहमदुलिल्लाह पानी भी इहनू देना है। साढ़े जिहड़े बाज़ुकात अहीं जिन्हां कोलों हिस्से ते लवाया या किसी दोस्त कोलों वैसे लवाया, उहनां दी डिमांड हुंदी है कि यार पानी लाओ। हालांकि हकीकत च मबनी गल इह है दोस्तों, ये नवीं दी वरायटी है। क्यों कि जिहड़ी अजकल दी तरेल पैंदी है जिहड़ी शबनम है, यानी कि जिहड़े ये उत्तों नवीं खारज हुंदी है अल्लाह वल्लों, ये मामला तो आम मौसम नालों हट के ज़्यादा तादाद हुंदे ने, यानी कि फुल ठंडक के दिन होंगे ने, तरेल बहुत ज़्यादा पैंदी है, नमी बहुत ज़्यादा होंगी है। तो जिन्ना ये खुशकी का पौधा है, यानी कि जिन्ना तर खुशक रहेगा मौसम उन्ना ही इहदी तुरी उन्ना ही इहदा तना उन्ना ही इहदा पत्ता तंदुरुस्त खुशहाल तो खुश रहेगा। ठीक है, पानी देना तो जरूरी है। तो हम कोशिश करने कि तुहानूं असीं विखाइए मुख्तलिफ व्यू, जिस तरह के ए साडा जी माशाल्लाह साडा कैमरामैन इधर नूं कैमरा मार दे, यह साडा लसन लगा होया तो ये जनाब पहली गोडी असी कर रही है। अज पानी की जरूरत है, पानी देवे तो यह इन्होंने गोबर की सवा पाई है असी। ठीक है, ये कादे वास्ते होंगे वाला, ये ताकत यदि बहाल रखती है, जगह नूं जरा नरम दोस्तों रखती है। यह जगह जी है ये नवे कैमरामैन ने तो बाज़ुकात दसना पैंदा कैमरामैन नूं, भाई तुसीं इहनूं भी छक मारो व्यू इहनूं विखाओ, कोई बात नहीं। यह लो जी ये लसन साड़ा जिहड़ा गल उत्थी शुरू करने जिथे टुटी है कि इहनूं पहली गोडी असी कर ली है, तो वह परली साइड से भी गोडी कर ली है। हुण असी करनी है बाद फिर दूसरी गोडी, यानी कि हुण असी इहनूं पानी देवांगे। तो पानी सजनों देण तों बाद बड़ी भी छेती है वत्तर आया, सर्दी दिन ने जिस तरह के पोह बिल्कुल करीब करीब है, दसंबर जिहड़ा उह तकरीबन अध ते तुर गया, तो पोह दा महीना तकरीबन चरण वाला है। तो पोह दी ठंड ते क्या बात है, क्या बात है, वह पोह वाला तो कम तुसीं जानदे ही हो सारे। तो ये मामला इस तरह ने कि जिनी इनू नवी घट होएगी उन्ना ही इहदा पौधा मोटा होएगा, पत्ता चौड़ा होएगा, तो गाढ़ा ग्रीन होएगा, तो फिर ही सोहना लगेगा। तो जिन्ना इनू पानी अं बहुता दे देंगे, ये तुहाडे वास्ते टिप्स है, तुहाडे वास्ते आइडिया, जिन्ना इनू पानी बहुता देंगे उन्ना ही ये पौधा साडा मुतासर होएगा। मुतासर की होना कि जड़ हुंदी है नाजक ते नरम, जो ही पानी ज़्यादा देंगे सर्दी के दिन होने ने जमीन ठंडी हुई होनी है, तो दोस्तों पौधे की जड़ जानी है गल तो वो नशोनुमा बिल्कुल रुक जानी है। असी इनू वत्तर दे पानी देने ने, तुसीं रहना साडे नाल नाल, इंशाल्लाह तुहानूं बाकी काम भी करके विखाने। लो भाई दोस्तों कैमरा हुण मेरे अपने हाथ में है, एक दोस्त लंघदा पिया सी साडा, तो उन्हूं मैं कहा कि जनाब सानूं ना तू थोड़ी जी वीडियो पानी है, असी सर्दी दे दिन ने हाफज़ साहब मदरसे गए ने, यानी कि जिहड़े साडे कैमरामैन सन। लो सजनों यह क्यारी असी गोडी है, पहली गोडी असीं पा दित्ती है। ठीक है जी, पहली गोडी इहनूं पाई है पानी तो बीज लाने तो बाद, यह देसी थोम है साडा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा। तो दूसरी टिप से दूसरा आइडिया तुहानूं यह है कि यह तकरीबन असी 3 सरसाई की एक क्यारी बनानी है, 3 सरसाई की, यह देख रहे हो तुसीं वट, तो दूसरी वट भी तुहानूं विखाने हैं, यह दूसरी वट है साडी। तो वो जिहड़े अगे पौधे ने साडे नर्सरी वाले कुछ मैं पुट्टे हुए ने आर्डर 4 पौद्या का, वह भी तुहानूं विखाए। ठीक है, यानी कि यह साडी एक क्यारी है। ठीक है दोस्तों, यह साड़ी एक क्यारी है, तो यह 3 सरसाई जगह बनती है तकरीबन ये है। ठीक है जी, ए मेरे पाँव मेरे पैर, तो इतों लैके इतों तक एक सरसाई जगह, ये असा क्यारी गोडी है। तुहानू दसने पे बड़े अच्छे तरीके बरीक गोडी करनी है, अपनी जमीन नू अपने लसन नू खूबसूरती दिल जमी नाल अपना काम करना है। तार वट वत्र मट्टी होए तो फिर असी इनू पानी देना है, यानी कि जिस तरह के ए वाला है, हले भी इनू पानी ना दईए तो कोई नहीं, पर भाई गल इस तरह कि वो फिर उस उ गल आ गई कि असी कुछ लवाया हिस्से तो थोम,
यह वेखो ना हिस्से लवाया तो वो ना ये साढ़े जे हिस्सेदार ने ना येखो यह जगह नवी च हले ठीक है हले मैं अराधे तौर से नहीं चाहता कि इनू पानी दीए पर कह रहे हैं जी बहुत खुशक है जी ये मर गया जी ये सुक गया ये जल गया हालांकि यद नरम शगूफा तुम विखाने यह नरम शगूफे नहीं तो ये फुल जोर न फुल जोबन न निकल रहे हैं तो बड़ा प्यारा तो बड़ा खूबसूरती निकल रहे हैं हूँ असी तुम विखा लें वो जी क्यारी असी गोडी हले नहीं की ठीक है जी चलने असी वो उत्ते दोस्तों असी आ गए उस क्यारी लसन की थूम की तो जी क्यारी हले गोडी करने वाली है ए वाली इस तरह ही असी ये भी सफाई करा ये रंबी नाल करिए दरांतरी नाल कर लीए दानी कि जिन्होंने तुम दातरी कहते हो ठीक है वो करिए सफाई करना जरूरी है सफाई करके तो फिर असी इनू गोबर की सड़ी हुई रूड़ी घास पा लीए वो चंगी यानी कि जी सवाह जिन्हों कवाह नहीं कहते यानी कि जलाई वास्ते गोबर अही जलाने वो जली हुई खाक जिन्हों कहा जाता है वह इन पावे तो वो ये वास्ते अच्छी तां होंगी है कि जगह तू जरा खुश खुशक रखती है तो नरमी वालू लैके आती है जमीन तो वो ये वास्ते ये बहुत ही फील्ड अच्छी है बहुत चंगी चीज़ है लो एक इस तू अलावा भी तुम बनी हुई जगह विखा दोस्तों ए सीजन का सब तो लेट असी थूम लाया लसन लगाया लाया ए क्यारी ये सब तो सीजन की लेट लाई है यदा रिजल्ट बहुत अच्छा है बहुत ही प्यारा है इनू पहला पानी दिता थोड़ा थोड़ा पानी दिता बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिता तो जनाब यदा रिजल्ट भी बड़ा प्यारा है तो शगूफे ये पत्ते जनाब मामला देखो हाँ किडे खूबसूरत तनीन निकले ने बहुत ही अच्छे निकले ने ठीक है जी अगे वह क्यारी बनी हुई है ठीक है जी वह भी अगे ये लेट सीजन लगिया हुई क्यारियां ने ये हले गंद मंद कोई नहीं इनू पानी ना भी लगे तो कोई एडी परेशानी नहीं है 15 दिन पानी हले अपना बहाल रख सकती है यानी कि जगह नमी च है तो जे इस क्यारी दोस्तों असी पानी देिए ला तो ये साडा थूम बह जाएगा लसन साडा बह जाएगा सीड दियाँ तुरियां बह जाएंगी क्यों कि यदि जड़ बड़ी नाजक तो बड़ी नरम जी होंगी है बहुता पानी दे देंगे तो गल के मर जाएगा तो जे बहुत जे अं गोडी ना करा तो जड़ जमीन च फैलेगी नहीं बनेगी नहीं अपना पैर नहीं सांभेगी तो पत्ता चौरा नहीं करेगी लसन की दोस्तों एक ही गल है चलने होर एक जगह थी तो वह भी तुम विखाने जगह का मतलब कि होर एक क्यारी थी ये अहम मुख्तलिफ स्टैपा च लाइया ने तकरीबन महीने का टाइम से महीने के असी लाइया ने लो भी दोस्तों असी आ गए हाँ सब तो पहले लगी हुई क्यारी थी ठीक है जी ये कदी कदी कि कख है नहीं कख का मतलब कि बूटियां गंदिया मंदिया बूटियां जड़िया है ने ये अज तो एक महीना तकरीबन जी वीडियो तेखी है 25 दिन या 35 दिन या 25 दिन 30 दिन कह लो महीना ही मैं गिनना कि एक महीना पहला तो साढ़ा ये लगा हुआ लसन है ये देसी लसन है दोस्तों देसी थूम ठीक है तुसी तुहाडे अगे यही इल्तजा है कि तुसी साढ़े चैनल सबसक्राइब करो बैल आइकोन के बटन दबाओ दोस्तों नाल शेयर करो ताकि गार्डनिंग से ग्रीनरी से खूबसूरत जी तुहानू वीडियो मिले तो उम्मीद करने दोस्तों कि तुसी साढ़े कीते हुए काम नू लाइक करते होवोगे ए क्यारियां जनाब तुहानू की विखाइए हुण इहनां दा यह देखो 1 2 3 4 ते हुण इत्थे करके वेखने आ जी मैनू जे जूम करन दी जाच आ गई ते ए जी यह साडा लसन जनाब चौथी पंजवीं क्यारी तक असीं पहुँच गए हाँ ठीक है यह एरिया सारा मैं जूम करके तुहानू विखा रहा ये साडी 5 मरले जगह है तकरीबन 5 तो 6 मरले जगह जिदे विच असीं यह लसन लाया ठीक है जी तुसी साडे चैनल सबसक्राइब करो बैल आइकोन के बटन दबाओ दोस्तों नाल शेयर करो कि भाई सानू सब्जियां दे मुतलका फ्लावर वाले पौद्यां दे मुतलका छाओं वाले पौद्यां दे मुतलका इनडोर प्लांट दे मुतलका अच्छी जी वीडियो देने वाला एक आदमी देसी जिहा जनाब साडी खिदमत है ते असीं उहदे नाल करिए तवावन तो तुहाडा तवावन इस तरह ही है कि साडे चैनल सबसक्राइब करो तो अगली वीडियो का करो इंतज़ार अल्लाह पाक अपना रहम ते फजल करे इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होएगी हुण मेरा फेस तुहाडे सामने तो नहीं आ सकता तो चलो कोई गल नहीं कहूँ कि कैमरा मेरे अपने हाथ में है अज कोशिश की है कि अच्छी जी गुजर बसर करिए ऐसी वीडियो पा के दिती है दोस्तों कि लसन असी जी पहली गोडी पानी है कदों पानी है
किस वत्तर की पानी है, किस टाइम की पानी है, तो किस तरीके पानी है। तो फिर इन पानी देना है, तो पानी हल्का हल्का देना है। दूसरा पानी देने तो बाद दस्ती फिर गोडी पानी है, यानी कि जरा खुश्क हो जाए फिर गोडी पानी है। तीसरा पानी देने तो बाद फिर असी गोडी पानी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुसी रहना साढ़े नाल नाल, कोशिश करांगे जे अल्लाह ने जिंदगी मौका दिता तो ये मुकम्मल तुहानू लसन की फसल तैयार करके इंशाल्लाह विखावांगे। ये है देसी लसन, घरेलू मामले की वरायटी। ये बहुता जिमीदारा वाला नहीं, कैचा वाला नहीं, चटनी वाला नहीं, एक कदीमी वरायटी है देसी, बिल्कुल प्योर लाल सुरख। ठीक है दोस्तों, जे तुहानू साडी वीडियो चंगी लगी होए दोस्तों नाल शेयर करना है, अगली वीडियो का इंतजार करना है। अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। साडे मुतलका दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सानू सेहत आफियत वाली जिंदगी दे, ईमान वाली जिंदगी दे। जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने सजनों बेलियो, ये तुहाडे फायदे च तुहाडे काम दियां ने, तुहाडे काम दे मुतलका ने। ठीक है, लो फिर अगली वीडियो तक अपने मेज़बान नू दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर, अल्लाह हाफिज़।